हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए बॉक्स फुल ऑफ स्टेशनरी आइटम का वीडियो लेके गाइस। और इस बॉक्स में गाइस हमेशा की तरह डिफरेंट टाइप की स्टेशनरी आइटम गाइस, बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना इस बॉक्स की आपको सबसे अच्छी स्टेशनरी आइटम कौन सी लगी गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली तरफ से। तो चलो फटाफट इस बॉक्स को खाली करते हैं, देखते हैं इस बॉक्स में गाइस हमें क्या मिलती है और कैसी चीज मिलती है और क्या क्या चीजें मिलती है। सबसे पहले तो देखो दोस्तों हमें इधर क्या मिला, ये देखो दोस्तों ये क्या है, एक काफी अमेजिंग और काफी सुंदर सा डक। अरे वाह, काफी जबरदस्त। और ये डक नहीं है दोस्तों, ये है एक डक वाला शार्पनर। नीचे हमें एक होल मिल जाता है, यानी इसके अंदर हमें शार्पनर मिलेगा। वो कैसा शार्पनर मिलेगा चलो देखते हैं। तो इसे खोलते हैं तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें एक शार्पनर मिल जाता है, काफी अमेजिंग और काफी जबरदस्त क्वालिटी। देख सकते हो कितना अमेजिंग है दोस्तों। ऊपर देख सकते हो, ऊपर का ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर मिलता हमें एक इरेजर। देख सकते हो कितना सुंदर और कितना प्यारा इरेजर मिला। देख सकते हो इतना मोटा इरेजर मिल जाता है। इसके सर वाले ढक्कन को खोलने के बाद इरेजर मिलता है, और नीचे वाले पार्ट को खोलने के बाद हमें शार्पनर मिल जाता है दोस्तों। तो आपको ये डक वाला इरेजर एंड शार्पनर सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, गर्ल इरेजर सेट। अरे वाह, काफी अमेजिंग गर्ल वाली इरेजर मिली। और देखते हैं कौन कौन सी इरेजर मिलते हैं। वैसे तो इसके अंदर चार इरेजर मिलते हैं। चलो फटाफट फाड़ते और देखते हैं वन बाय वन इरेजर और इनकी क्वालिटी भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिला, अम्ब्रेला। अरे वाह, काफी अमेजिंग। और दोस्तों ये अम्ब्रेला नहीं है, ये है अम्ब्रेला वाला इरेजर सेट दोस्तों। इसकी डंडी ये प्लास्टिक के, बट ऊपर वाला पार्ट पूरा इरेजर है। देख सकते हो कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग है दोस्तों। तो आपको ये अम्ब्रेला वाला इरेजर सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस सेट में हमें क्या मिलता है। तो इस सेट में देखो दोस्तों हमें मिले दो दो चप्पल, ये देखो दोस्तों इसके अंदर। अरे वाह, काफी अमेजिंग, काफी जबरदस्त दोस्तों सैंडल मिल गए। और दोस्तों ये सैंडल नहीं है, ये है इरेजर दोस्तों। सैंडल वाली इरेजर मिल जाती है दोस्तों इस सेट के अंदर, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग सी दोस्तों। देख सकते कितनी प्यारी लग रही है और कितनी पिटी लग रही है दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस किट में क्या मिलता है। तो इस किट में दोस्तों हमें गाइस एक फ्लावर मिल जाता है, फूल मिल जाता है, रोज, और ये दोस्तों इरेजर है, पूरा इरेजर है दोस्तों, फूलों वाला इरेजर मिल जाता है इस किट के अंदर। और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इस किट के अंदर। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है एक पर्स, ये देख सकते हो कितना सुंदर कितना पिटी लग रहा है, और कलर कॉम्बिनेशन भी देख सकते हो इस पर्स का कितना अमेजिंग है दोस्तों। और ये भी है पूरी इरेजर, देख सकते हो काफी जबरदस्त और काफी अच्छी लग रही है दोस्तों। तो आपको ये गर्ल इरेजर सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों, ओहो वाओ, ये देखो दोस्तों ये क्या, ये तो है एक यूनिकॉर्न का पेन। अरे वाह दोस्तों, काफी जबरदस्त, और देख सकते हो कितना प्रिटी लग रहा है, कितना अमेजिंग लग रहा है पेन। चलो इसका ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं गाइस ये पेन कैसा चलता है और कैसी टिप है दोस्तों। तो ढक्कन खोल लेते हैं, तो ये खोल लिया ढक्कन, और इसकी टिप देखो दोस्तों कितनी मोटी टिप है। चलो लिखते हैं, तो ये देख सकते हो कितना फास्ट और कितना अमेजिंग लिख रहा है, क्योंकि गाइस इसकी टिप काफी मोटी है, इस चक्कर में काफी फास्ट चल रहा है ये पेन, काफी अमेजिंग है। और जब मैं लिख रहा हूँ इस पेन से तो देखो दोस्तों ये पीछे यूनिकॉर्न कैसे हिल रहा है, काफी अमेजिंग लग रहा है दोस्तों, काफी जबरदस्त लग रहा है। तो आपको ये यूनिकॉर्न का पेन कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक आइसक्रीम सेट। अरे वाह, काफी अमेजिंग काफी जबरदस्त, और ये आइसक्रीम नहीं है, ये है दोस्तों एक आइसक्रीम हाइलाइटर सेट। अरे वाह, काफी जबरदस्त। चलो ओपन करते हैं, देखते हैं कैसा हाइलाइटर है और इनकी टिप कैसी है। तो टोटल गाइस इसके अंदर मिलता है हमें 1 2 3 4 5 छह कलर का हाइलाइटर मिलता है। चलो एक हाइलाइटर चलाते हैं, तो ये वाली आइसक्रीम निकाल लेते हैं। ये देख सकते हो ये है मैंगो फ्लेवर, ओह वाह, और इसे देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया और मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है दोस्तों। तो चलो दिखाता हूँ आपको इसकी टिप। तो कैसे ओपन करेंगे, तो ये देख सकते हो इसकी डंडी को खींचेंगे, फिर ये हाइलाइटर ओपन हो जाएगा, और इसकी टिप देख सकते हो कितनी जबरदस्त और कितनी अमेजिंग है। चलाते हैं हाइलाइटर, देखो दोस्तों कितना अच्छा चल रहा है और कितना अमेजिंग चल रहा है दोस्तों, आइसक्रीम वाला हाइलाइटर है। तो आपको ये आइसक्रीम वाला हाइलाइटर सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, डाइस। और वाह, देख सकते हो काफी अमेजिंग, और ये डाइस नहीं है, ये तो है शार्पनर, दो दो होल मिल गए, यानी इसके अंदर हमें मिलेंगे शार्पनर। और वाह, एक छोटा शार्पनर मिलता है, एक बड़ा शार्पनर मिलता है। छोटा शार्पनर होता है हमारी कलर पेंसिल को शार्प करने के लिए, और बड़ा शार्पनर होता है हमारी एचबी पेंसिल को शार्प करने के लिए दोस्तों। डाइस वाला शार्पनर मिल गया। अंदर शार्पनर की बात करें तो ये देख सकते हो अंदर शार्पनर मिल जाता है, काफी अमेजिंग काफी जबरदस्त। और इसके साथ हम लूडो भी
खेल सकते हैं। और दोस्तों हम अपना शार्पनर भी यूज कर सकते हैं इस डाइस के साथ। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या मिलता है। तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, ये कैसा पेन मिला दोस्तों, देख सकते हो काफी अमेजिंग। चलो पन्नी से निकालते हैं और देखते हैं क्या चीज है, पेन है, पेंसिल है, ये क्या है। चलो निकाल लेते अच्छे से। तो ये देखो दोस्तों ये तो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है यार, देख सकते हो कितना पिटी लग रहा है। और इसके ऊपर ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त डिजाइन भी बना है दोस्तों। चलो ढक्कन ओपन करते हैं। तो ये देखो ये है फाउंटेन पेन, और वाह देख सकते हो फाउंटेन पेन काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग यार। और इसके साथ देखो दोस्तों इसमें हमें दो दो रिफिल भी फ्री में मिल जाती है, काफी जबरदस्त सी दोस्तों फाउंटेन पेन की टिप देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त कितनी अमेजिंग है। क्या आप पहले फाउंटेन पेन यूज किया, अगर किया है तो प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने तो आज तक फाउंटेन पेन यूज नहीं किया, और कैसे यूज करते हैं इसका ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, फिर मैं आज इस फाउंटेन पेन को यूज करूंगा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक हेयर ड्रायर, ये देखो दोस्तों हेयर ड्रायर मिला। और दोस्तों ये हेयर ड्रायर नहीं लग रहा, ये तो कुछ और है, ये तो है दोस्तों एक शार्पनर, यहाँ देख सकते हो होल मिला है, और इस होल में गाइस हमें शार्पनर मिला, और ये तो है स्पाइडरमैन का शार्पनर। अरे वाह ये देख सकते हो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग, ये देख सकते हो हेयर ड्रायर लुक में दोस्तों शार्पनर कितना पिटी लग रहा है और कितना अमेजिंग लग रहा है देख सकते हो। और आगे से कूड़ा हम फेंकेंगे दोस्तों, इसका काफी जबरदस्त हेयर ड्रायर वाला शार्पनर मिल गया। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते एक पूसी कैट, ये देख सकते हो, और ये पूसी कैट नहीं है, ये तो कुछ और लग रही है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता हमें। तो इसे ओपन किया तो ये देखो दोस्तों ये क्या है, ये तो है लिप लॉस। ओह वाह यार काफी अमेजिंग लिप बाम मिल गया दोस्तों, पूसी कैट में हमें लिप बाम मिल चुका है दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, एक स्पेस रॉकेट लॉन्चर, अरे वाह काफी अमेजिंग। चलो निकालते हैं बॉक्स से और देखते हैं ये क्या चीज है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों है एक शार्पनर, अरे वाह दोस्तों स्पेस यानी रॉकेट वाला शार्पनर, देख सकते हो कितना पिटी और कितना अमेजिंग लग रहा है दोस्तों। और यहाँ दोस्तों हम पेंसिल डालेंगे, फिर पेंसिल को इस तरह शार्प करेंगे दोस्तों, और पीछे गाइस हमें एक बटन मिलता है जिससे हम दोस्तों अपने हैंडल को टाइट भी कर सकते हैं। हमें हैंडल को कितना टाइट करना है ये इसका काफी अच्छा ऑप्शन है, देख सकते हो यहाँ दोस्तों हम घुमाएंगे इस बटन को तो ये अपने आप हैंडल टाइट हो जाएगा दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। और दोस्तों जो भी हम पेंसिल को शार्प करेंगे उसका कूड़ा कहाँ जाएगा, तो उसका कूड़ा गाइस इस वाले बकेट में जाएगा, देख सकते हो काफी गहरा बकेट है काफी अमेजिंग। और मशीन देख सकते हो कितनी जबरदस्त मशीन है दोस्तों इस शार्पनर की, काफी अमेजिंग है रॉकेट वाला दोस्तों। आपको शार्पनर कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। छोटे साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है एक गाइस काफी सुंदर काफी प्यारी एक की चैन वाला पेन, अरे वाह की चैन में देख सकते हो हमें प्रिंसेस मिल जाती है काफी सुंदर सी और काफी प्यारी सी। और इसके हेयर देखो दोस्तों कितने जबरदस्त और कितने अमेजिंग है दोस्तों। चलो ढक्कन ओपन करते हैं देखते पेन कैसा चलता है। तो ढक्कन ओपन किया तो इसका पेन देखते हैं, तो टिप देखो दोस्तों कितनी पतली टिप है, चलाते हैं तो जेल पेन है दोस्तों काफी अमेजिंग है और काफी लंबा पेन है। और इसके ढक्कन में जो हमें कीचन मिला ना वो काफी सुंदर और काफी अट्रैक्टिव बना रहा है इस पेन को। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, ये है एक यूनिकॉर्न का पिगी बैंक, अरे वाह काफी अमेजिंग। इस पिगी बैंक को तो दोस्तों हम काफी इजिली से कैरी भी करके चल सकते हैं क्योंकि गाइस इसमें हमें हैंडल मिल जाता है काफी जबरदस्त, और हम अपनी मनी को कहां से डालेंगे तो गाइस हम अपनी मनी को इधर से डालेंगे दोस्तों, और काफी बड़ा कंटेनर भी है। और इसमें से मनी कैसे निकालेंगे, तो मनी निकालने के लिए दोस्तों हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो पासवर्ड को हम सेट कर लेंगे, मैंने 00 सेट कर रखा है। अब इसे दबाऊंगा तो देख सकते हो लॉक ओपन हो गया, फिर जाके ये बैंक ओपन होगा, ये देख सकते हो पिगी बैंक ओपन हो गया, यहां से हम अपनी मनी को निकाल लेंगे दोस्तों। सबसे अच्छी बात है इसमें पासवर्ड मिल जाता है, विदाउट पासवर्ड खोले कोई भी इसे पिगी बैंक को ओपन नहीं कर सकता। और सबसे अच्छी बात है मेटल की है दोस्तों ये पिगी बैंक, जिससे जल्दी ये टूटेगा भी नहीं, काफी अमेजिंग है। और इसमें जो थर्माकोल भरे हैं ना ये काफी अट्रैक्टिव बना रहा है इस पिगी बैंक को दोस्तों। तो आपको ये यूनिकॉर्न का पिगी बैंक कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये देखो दोस्तों कितना सुंदर और कितना प्यारा एक पेंसिल पाउच मिला, ओहो वाओ देख सकते हो कितना अमेजिंग है। यूनिकॉर्न के दोस्तों विंग देख सकते हो कितने जबरदस्त और कितने अमेजिंग है। टोटल गाइस इसमें 1-2 यानी दो जिप मिलते हैं। तो इसे ओपन करते हैं, फ्रंट जिप को ओपन किया तो काफी अच्छा स्पेस है, इसमें हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। सेकंड जिप को यानी ये मेन जिप है, मेन जिप को भी ओपन करते हैं तो इसमें भी दोस्तों हमारा काफी अच्छा स्पेस और काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। काफी प्यारी पेंसिल पाउच और क्वालिटी वाकई में काफी जबरदस्त है इस पेंसिल पाउच की। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों हमें क्या मिलता है इसमें। तो इसमें देखो दोस्तों हमें क्या मिला, एक ब्लैक पिंक की ज्योमेट्री बॉक्स, अरे वाह
काफी अमेजिंग, काफी जबरदस्त और काफी लंबी ज्योमेट्री बॉक्स है ये। तो चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। फ्रंट में तो दोस्तों हमें दो शार्पनर मिल जाता है, एक छोटा शार्पनर एक बड़ा शार्पनर मिल जाता है। एक दोस्तों इसमें मिलता है हमें ढक्कन, छोटा सा कंपार्टमेंट मिल जाता है और इसमें काफी अच्छा स्पेस है और इसमें हमारा छोटा छोटा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। बड़े वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, बड़े वाले ढक्कन को ओपन किया तो एक कंपार्टमेंट और इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है और एक सेक्शन में दोस्तों हमें एक दो तीन चार चार पेंसिल लॉक मिल जाता है। काफी अच्छा स्पेस है दोस्तों, इसे बंद करते हैं। पीछे भी ढक्कन मिलता है तो पीछे वाले ढक्कन को ओपन करा तो ये देख सकते हो इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। ये ब्लैक पिंक की ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों, काफी सुंदर सी। आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है फ्रोजन की कलरिंग शीट और काफी अमेजिंग। और ये कितने रुपए का आता है, तो ये आता है 59 रुपीज का दोस्तों। और इसमें गाइज हमें गाइज फ्री में स्केच पेन मिलेंगे और दोस्तों हमें स्टीकर भी फ्री में मिलेंगे। चलो दिखाता हूँ आपको, फिर आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा कलरिंग शीट सेट दोस्तों। तो ओपन कर लिया तो ये देख सकते हो इसके अंदर तो फ्री में हमें स्कूडल के गाइज हमें कलर पेन मिल जाते हैं दोस्तों और 6 कलर पेन मिलते हैं। क्वालिटी दोस्तों काफी जबरदस्त है इन कलर पेन की, क्योंकि गाइज स्कूडल के कलर है। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलते हैं फ्रोजन के स्टिकर, ये देख सकते हो। और देख सकते हो कि स्टिकर सबसे अच्छा स्टिकर आपको कौन सा लग रहा है, मैं सच बताऊं मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है दोस्तों। काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग सा लग रहा है दोस्तों। और ये थॉर की तरह इसने पूरा आइस उठा रखा है, काफी गजब सा। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर गाइस हमें 8 सीट्स मिलती है। कौन कौन सी मिलती है तो ये देख सकते हो। पहली सीट पे गाइस हमें ये वाली डिजाइन मिलता है, सेकंड सीट पे ये वाला डिजाइन, थर्ड सीट पे ये, फोर्थ सीट पे ये, फिफ्थ सीट पे ये वाला डिजाइन मिलता है, सिक्स सीट पे ये और सेवन्थ सीट पे ये वाला और 8 सीट पे ये वाला डिजाइन मिलता है दोस्तों। और इनमें गाइस हम कलर भरेंगे, कलर भर के हम अपने वॉल पे भी लटका सकते हैं इन सीट को दोस्तों। काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है, फ्रोजन की कलरिंग सीट है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और आज मैं पूरा दिन इससे टाइम पास करूंगा कलर भर के दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक छोटा भीम की ज्योमेट्री बॉक्स और वाह देखो दोस्तों कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग है। तो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया ये देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में हमें 3 सेक्शन मिलते हैं। एक सेक्शन में दोस्तों हमें व्हाइट बोर्ड मार्कर मिल गया, यानी गाइस इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें एक व्हाइट बोर्ड मिलेगा। और ये देख सकते हो इसमें गाइस हमें डस्टर मिलता है, काफी अच्छा और काफी बड़ा डस्टर मिल जाता है। और ये देख सकते हो कंपार्टमेंट है और एक सेक्शन में दोस्तों हमें एक दो तीन चार चार पेंसिल लॉक भी मिल जाता है। इस वाली ट्रे को हटाते हैं दोस्तों तो ये देख सकते हो नीचे कंपार्टमेंट और इस कंपार्टमेंट में देखो दोस्तों हमें रूलर फ्री में मिल गया और एक वुडन पेंसिल भी फ्री में मिल गई दोस्तों। नीचे वाले कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है और काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों, देख सकते हो काफी जबरदस्त है। और व्हाइट बोर्ड कहां है दोस्तों, तो देखो दोस्तों व्हाइट बोर्ड हमें मिलता है नीचे, ये देख सकते हो नीचे व्हाइट बोर्ड मिलता है। इसे इस तरह रोटेट करेंगे तो ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग व्हाइट बोर्ड मिला यार, ये तो काफी सुंदर है, काफी प्यारा व्हाइट बोर्ड है दोस्तों, काफी जबरदस्त लग रहा है। इसमें गाइस हम अपना रफ वर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये छोटा भीम की ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ये देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो कितनी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ओपन करते हैं, देखते हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें कितना स्पेस मिलता है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो पहले वाले लॉक को ओपन करते हैं, तो पहले वाले लॉक को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसमें हमें गाइस मिलते हैं मैथमेटिक इंस्ट्रूमेंट सेट और वो भी चार चार, एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार चीजें मिल जाती है। और रूलर देखो दोस्तों कितना जबरदस्त रूलर मिला है, रूलर पे दोस्तों हमें बोल्ट देखने को मिल जाते हैं, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग सा। और ये देख सकते हो ढक्कन, ढक्कन पे दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हो काफी अमेजिंग। इस वाले कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। डिजाइन भी काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है। चलो सेकंड लॉक को ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। सेकंड लॉक को भी ओपन कर लिया, ये देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में 3 सेक्शन मिलते हैं और एक सेक्शन में गाइस हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं। दो छोटे छोटे सेक्शन है गाइस, इसमें गाइस हम अपने पेन रख लेंगे और इसमें गाइस हम अपनी इरेजर या शार्पनर रख सकते हैं दोस्तों। चलो बंद करते हैं, तीसरे ढक्कन को ओपन करते हैं, तीसरे लॉक को ओपन किया तो ये देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है और इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। ये काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी है, प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। तो आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिली, एक सुपर 3D ज्योमेट्री बॉक्स, वो भी प्रिंसेस की। ओहो वाओ काफी अमेजिंग। और इसका लॉक देखो दोस्तों कितना जबरदस्त लॉक है। चलो ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। तो ढक्कन ओपन किया तो एक कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में देखो दोस्तों हम 1 2 3 4 4 सेक्शन मिलते हैं दोस्तों और एक सेक्शन में दोस्तों हमें 1 2 3 4 4 पेंसिल लॉक भी मिल जाता है। काफी अमेजिंग काफी जबरदस्त। ट्रे हटाते हैं, ट्रे हटाते नीचे एक और कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट की गहराई देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है और कितना सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा इस वाले कंपार्टमेंट के अंदर। काफी अमेजिंग ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी सुंदर है दोस्तों। ये
प्रिंसेस की सुपर 3D ज्योमेट्री बॉक्स की। दोस्तों चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो इसके अंदर गाइज हमें मिलते हैं ये देखो दोस्तों ये क्या है, एक रोलिंग क्रियोन्स कलर आ रहा है। वाह दोस्तों ये तो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है। चलो देखते हैं रोलिंग क्रियोन्स कलर कैसे है, तो निकाल लेते हैं एक पेन को। ये देख सकते हो कितना जबरदस्त पेन है, काफी अमेजिंग काफी लंबा पेन है। और दोस्तों ये पेन ये क्रियोन्स कलर है और रोलिंग क्रियोन्स कलर क्यों बोलते हैं, तो पीछे गाइज हम रोल करेंगे फिर आगे दोस्तों हमें क्रियोन्स कलर मिलता है। ये देख सकते हो आगे क्रियोन्स कलर निकलना चालू हो चुका है, देख सकते हो काफी अमेजिंग। अगेन दिखाता हूं दोस्तों आपको, तो ये देखो दोस्तों घुमा रहा है और क्रियोन्स कलर निकलना चालू हो रहा है। और पूरा घुमाने के बाद देखो दोस्तों इसमें कितना बड़ा क्रियोन्स कलर निकलता है, ये देख सकते हो कितना बड़ा क्रियोन्स कलर मिल जाता है। साइज देख सकते हो और क्वालिटी देख सकते हो इस क्रियोन्स कलर की कितनी जबरदस्त है। और सबसे अच्छी बात है जितना भी हमें यूज करना है उतना ही खोलेंगे इस क्रियोन्स कलर को, फिर हम अपना यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है। तो आपको रोलिंग क्रियोन्स कलर पेन कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सर साइड रखता हूं नक्शी दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक डोरा की ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो कितनी जबरदस्त लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है दोस्तों ज्योमेट्री बॉक्स। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं ये देख सकते हो कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में गाइस हमें 1 2 3 4 पेंसिल लॉक मिलता है। और पेंसिल को गाइस हम कुछ इस तरह से लॉक करके रख सकते हैं दोस्तों। ट्रे को हटाते हैं तो नीचे कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा इस वाले ज्योमेट्री बॉक्स में। देख सकते हो काफी अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स है, डिजाइन काफी जबरदस्त और काफी सुंदर है। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें ये क्या है यार, ये कैसा डिजाइन है और ये क्या चीज है दोस्तों, ये देखते हैं। तो इसे ओपन करते हैं, तो ये कैसे ओपन होगा भाई, ये कैसे ओपन होगा। तो ये देखो दोस्तों ये इस तरह घुमाएंगे और ये देखो ये तो है एक लिप बाम। अरे वाह देख सकते हो लिप बाम है, काफी अमेजिंग और काफी स्टाइलिश लिप बाम है और इसके अंदर से काफी अच्छी खुशबू भी आ रही है यार, ये तो काफी जबरदस्त काफी सुंदर है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिली, एक कार वाली ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, देख सकते हो कितनी जबरदस्त है और इसमें एक हैंडल मिल जाता है और ये तो बन गया एक सूटकेस की तरह ज्योमेट्री बॉक्स। ये देखो दोस्तों कितनी अमेजिंग कितनी जबरदस्त है दोस्तों। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है, ढक्कन देख सकते हो कितना जबरदस्त है और लुक देखो दोस्तों कितना अमेजिंग है। ढक्कन ओपन किया देख सकते हो कंपार्टमेंट है और ट्रे में काफी अच्छा स्पेस है, ट्रे को हटाया तो नीचे एक और कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो ये ज्योमेट्री बॉक्स आपको कैसी लगी सूटकेस लुक में दोस्तों, मुझे तो काफी जबरदस्त लगी दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इसमें हमें क्या मिलता है। तो इस ज्योमेट्री बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है एक डोरा की ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो इसमें लॉक ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। तो ऊपर लॉक ओपन किया तो ये देखो दोस्तों लॉक ओपन करते हैं इसमें मिलते हैं हमें 2 व्हाइट बोर्ड। ओहो वाओ यार काफी अमेजिंग और काफी जबरदस्त व्हाइट बोर्ड मिल गया, देख सकते हो कितना अमेजिंग है कितना जबरदस्त है। चलो सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं दोस्तों, तो सेकंड ढक्कन को ओपन किया देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 1 2 3 सेक्शन मिलते हैं और एक सेक्शन में दोस्तों हमें 1 2 3 4 पेंसिल लॉक भी मिल जाता है, काफी अमेजिंग। चलो हटाते हैं नीचे गए एक और कंपार्टमेंट और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों व्हाइट बोर्ड मार्कर ये देख सकते हो रूलर और एक पेंसिल फ्री में भी मिल जाता है, काफी अमेजिंग है और इस कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें क्या मिला, ये देखो एक फुटबॉल चैंपियन की एक पेंसिल पाउच, ये देख सकते हो कितनी जबरदस्त और कितनी अमेजिंग। और इसका कीचन देखो दोस्तों कितना बड़ा कीचन है यार, ये तो काफी जबरदस्त यार काफी अमेजिंग, देख सकते हो कितना बड़ा जिप है, काफी अमेजिंग है और काफी मोटी जिप है। ऐसा पेंसिल पाउच तो दोस्तों मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा था, देख सकते हो जिप कितनी जबरदस्त है। इसे ओपन किया तो इसे निकालते हैं तो ये देखो दोस्तों इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा, बट इसके ऊपर जो हमें जिप मिले ना ये काफी अट्रैक्टिव बना रही है इस पेंसिल पाउच को दोस्तों, ये तो काफी जबरदस्त है। तो आपको ये पेंसिल पाउच कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलो साइड रखते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों इसके अंदर। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक मैजिक वर्ल्ड की ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो इसका लॉक कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग है, ये देख सकते हो काफी अच्छा लॉक मिल जाता है। इस लॉक को इस तरह ओपन करेंगे तो ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन करते ट्रे ट्रे पे दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है, साथ ही दोस्तों हमें इसमें पेंसिल लॉक भी देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हो काफी अमेजिंग। और इसमें दोस्तों हमें 5 पेंसिल लॉक देखने को मिल जाते हैं, स्पेस काफी जबरदस्त है और सबसे अच्छी बात है हमें ट्रे पे पेंसिल लॉक मिल गया। ट्रे पे दोस्तों हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स पे पेंसिल लॉक नहीं मिलता, इस मैजिक ज्योमेट्री बॉक्स में दोस्तों हमें मिल जाता है ट्रे पे पेंसिल लॉक। इसे निकालते हैं यानी ट्रे हटाते हैं तो नीचे कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारी स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों और सबसे अच्छा मुझे इसका लॉक भी लगा दोस्तों। तो आपको ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बॉक्स हो गया खाली, तो इस बॉक्स में तो आज हमें एक से बढ़कर एक स्टेशनरी आइटम मिली। आपको सबसे अच्छी स्टेशनरी आइटम कौन सी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो साथ, अच्छे से अनबॉक्सिंग के साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।